नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। उत्तर भारत में आस्था का सबसे बड़ा मेला कांवड़ मेला 17 जुलाई से शुरू होने वाला है। सावन के इस महीने में कांवड़ मेला होता है और भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़ को लेकर गंगा जल लेने हरिद्वार, ऋषिकेश सहित नीलकंठ महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी को लेकर आज पेश है एक खास रिपोर्ट। 17 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। सावन के महीने में यह कांवड़ मेला शुरू होता है। भारी संख्या में इस मेले में शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जल लेने हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस मेले के सफल आयोजन के लिए डीजीपी उत्तराखंड अनिल कुमार रतूड़ी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों सहित आईटीबीपी, एसएसबी और जीआरपी के अधिकारियों की समन्वयक बैठक हुई है। इस बैठक में कांवड़ यात्रा का रूट प्लान तय किया गया है, साथ ही कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की गई है। डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने बताया कि साल दर साल कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार अनुमान है कि 3 करोड़ कांवड़िया इस मेले में शामिल हो सकते हैं। इस मेले में सबसे ज्यादा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कांवड़िया शामिल होते हैं। इन दोनों ही प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने भी उत्तराखंड को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कानूनन जो संभव है वो किया जाएगा, जो कानूनन संभव नहीं है वो नहीं करने दिया जाएगा। ये बात अपनी जगह सही है। आज की जो गोष्ठी है उसमें हम लोगों ने इन्हीं बिंदुओं पर बात करी है और आने वाले जो ट्रैफिक के जो रास्ते हैं प्रांतों से उन पर बात करी है, प्लान बनाए हैं कि कहाँ से डाइवर्जन्स होंगे और उसमें समस्त अधिकारियों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। और ये अपनी जगह है कि जो इसमें प्रतिभाग करने कांवड़ के लिए आएंगे वो अपना आनंद ज़रूर उठाएं, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसमें जो नियम कानून है उसकी लेटर और स्पिरिट में उसको फॉलो करा जाए। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।